हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। दिस इज अ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 9th। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। व्हाट इज मैटर? जो भी चीज ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, और कोई भी चीज का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। Everything in the universe made up of material particles called matter. देखो, हमारे surrounding में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे moon, trees, floods, ठीक है, living things भी होती हैं, non living things भी होती हैं। कोई भी चीज जो हमारे surrounding में होती है, air, water, fire, ठीक है, ये सब चीजें हैं, इनका कोई ना कोई mass होता है, ये space occupy करती हैं, इसलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं? matter. डिफाइन मैटर में हमने क्या पढ़ा था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे यहाँ पे 5 बेसिक एलिमेंट्स है। कौन कौन से? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। कोई भी चीज इन सब से मिलके बनी होती है। एयर, एयर में क्या होती है? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। हमारी अर्थ है, फायर है, स्काई, वाटर, ये हमारे क्या है? बेसिक 5 एलिमेंट्स, ठीक है। मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी 3 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में चेयर वुड से बनती है। वुड में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। जब हम चेयर रखते हैं वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये तो है नहीं कि चेयर हवा में उड़ रही है। आलमंड हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? उनसे हमें पावर मिलती है। आलमंड के बीच ऑयल होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। लिक्विड में क्या आ गया? कोल्ड ड्रिंक। गैस में क्या आ गया? एयर। एयर में मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, बहुत सारी गैसेस होगी, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एटसेट्रा, बहुत सारी पार्टिकल्स हो गए ना, तो इसलिए ये भी किसके बीच में आ जाएगी? हमारे मैटर के बीच में। मैटर हमने पढ़ा था, कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और उसका कोई ना कोई मास होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने पहले भी पढ़ लिया, मैटर जो होते हैं वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है। सेकेंडली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम एक 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 करके इसकी एग्जांपल के साथ समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है लेमोनेड, शिकंजी पानी। सब पीते हैं नींबू पानी, सब पीते हैं ना, ठीक है। उसमें क्या होता है? वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन, ये सब चीजें होती हैं। वो हम क्या वाटर में मिक्स करते हैं। वो वाटर में मिक्स क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जब लिक्विड वाटर है उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होएगा, वो स्पेस कौन ले लेगा? शुगर, लेमन, सॉल्ट, जो भी चीजें हम ऐड करेंगे वो उसके बीच में डिजोल्व हो जाएंगी। क्यों डिजोल्व होएंगी? क्योंकि उसके बीच में क्या है? स्पेस है। सेकेंड हमने पढ़ी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन, आयरन एंड मैग्नेट, सबको पता है कि जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसलिए आयरन के बीच में भी कोई ना कोई पार्टिकल है और मैग्नेट के बीच में भी, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और एक आर हमारी आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हमने ये तो पढ़ लिया, अब ये चीज कैसे पता चलेगी, कैसे समझ आएगी? इंक स्प्रेड मैनी आवर्स और डेज। लाइक हमने एक बीकर लिया, उसमें क्या डाला? वाटर डाला। वाटर के बीच में हमने एक 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दिया, ठीक है। वो इंक धीरे धीरे क्या करेगी? फैल जाएगी। मान लो हमने एक पीस ऑफ पेपर ले लिया, उस पर एक ड्रॉप इंक लगा दिया, ठीक है। ये भी छोड़ो, ये हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पेपर है, हम कॉपी पेपर लिया, उसमें हमने कुछ ना कुछ राइट किया पेन से। पेन में क्या होती है? इंक होती है। वो बहुत सारे आवर्स से तो चलो ठीक है, वो नहीं फैलती, अगर हम उसको बहुत से मन से छुएंगे नहीं, ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो वो क्या करेंगे? एकदम से फैल जाएगा। कुछ कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता,
या फिर क्या होता है हमारी कॉपी पे कई बार क्या है पानी गिर जाता है तो वो इंक के फैल जाती है। वो क्यों फैलती है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो रुकते नहीं है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। नाउ हम देखते हैं, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन सी दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मान लो कि हमने अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट करा, छोटा सा एक पैन लिया, उसमें पानी डाला और उसमें शुगर ऐड कर दी। वो मिक्स होने में बहुत टाइम लगाती है जब हम नींबू पानी बनाते हैं। तो क्या करा हमने, उसको गैस पे रख दिया, हीट चला दी, टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे करके टेम्परेचर राइज होएगा, पार्टिकल्स मूव फास्ट करेंगे, तो वो जो हमारी शुगर होगी वो वाटर में जल्दी से ऐड अप हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या बोला है, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स की, वो हमें ऑलवेज इंक्रीज होएगी। कब होएगी? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, द एनर्जी विच हेल्प टू मूव पार्टिकल्स, वो एनर्जी जो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए चाहिए होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन राइज हुआ इसी से, द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स ऑफ वे, बट द कोल्ड स्मेल गेट यू हैव टू गो क्लोज, वाई? अगर खाना गर्म होता है तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि ये खाना बन रहा है, कहीं दूर बन रहा है तब भी पता चल जाता है, और जब वो खाना ठंडा हो जाता है तो हमें इतनी जल्दी से पता नहीं चलता, पर गर्म खाने का एकदम से पता चल जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? द रीजन इज बिहाइंड डिफ्यूजन एट वेरी स्लो रेट। जो डिफ्यूज होती है सॉलिड, वो बहुत स्लो रेट पे होती है, बट इफ द टेम्परेचर इंक्रीज देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड पार्टिकल्स इन टू एयर इंक्रीज, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज। हमने पहले भी पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल्स की स्पीड को इंक्रीज कर देती है, ठीक है? तो इसमें इन्होंने क्या बोला, जो डिफ्यूजन है सॉलिड की बहुत स्लो रेट पे होती है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जो खाने की स्मेल है वो दूर तक जाएगी, पर ठंडे खाने की नहीं जाएगी क्योंकि टेम्परेचर तो वहां पर राइज ही नहीं हुआ, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब डिफ्यूजन होता क्या है, हमने ये तो कह दिया कि सॉलिड जो हमारा है पार्टिकल, उसकी डिफ्यूजन स्लो रेट पे होती है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लाइक शुगर, शुगर क्या है, सॉलिड, ये क्या है, मैटर, एंड वाटर क्या है, लिक्विड, ये भी क्या है, मैटर, दोनों क्या हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, बट दोनों को क्या करना है, हमने इंटरमिक्स करना है, ठीक है? सॉलिड एंड वाटर को इंटरमिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें टाइम कंज्यूम ज्यादा करके इन दोनों को एडअप करने में टाइम लगेगा, या फिर हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर राइज कर देंगे। टेम्परेचर राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी तो ये जल्दी मिक्स हो जाएंगे। ये होती है डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थ्री टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये मेरा लेसन समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें।